एक्स्ट्रा टाइम। लाइक क्या हुआ था कि जब मेरे से पहले मुस्तफिजुर रहमान ओवर ओवर कर रहे थे तो ऐसा लगा नहीं था कि लास्ट ओवर तक मैच जाएगा, क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन था और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बोल डाल रहा था और छोटा एंड था। बट जैसे उस ओवर में चार रन गए और लास्ट ओवर तक मैच पहुंचा, हल्का सा प्रेशर भी था और एक्साइटमेंट भी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि डिफेंड हो पाएगा। लेकिन जब मेरे तीन बॉल हुए, तीन बॉल के बाद मेरे को बिलीव आने लगा था कि शायद अब हो सकता है, और जब लास्ट बॉल पे वो चीज़ हो गई काफ़ी अच्छा लगा। जब मैं रनअप पे था तो काफ़ी लोग, संजू भैया, क्रिस मॉरिस मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि मतलब मेरे प्लान्स क्या हैं और जो उनके प्लान्स थे, तो जो मैं नेट्स में करता आया हूँ, और काफ़ी उन्होंने मेरे को सपोर्ट भी किया मैच के टाइम पे। लाइक मेरे को खुद ही बोलता हूँ कि मेरे को प्रेशर फील ही नहीं हुआ मैच में, क्योंकि छः बॉल में चार रन, अगर मेरे को छः बॉल में दस रन सेव करने हो शायद ज़्यादा प्रेशर होगा बजाय छः में चार, क्योंकि चार एक तरफ से सब लोग सोचेंगे कि चार पर शायद हम मैच हार चुके हैं। मेरे को भी लग रहा था कि ये तीन या चार बॉल में चेज हो जाएंगे, अगर चार बॉल में चार सिंगल भी आते हैं चेज हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि तीन बॉल हो गए तो सबको बिलीव आने लगा था कि मैच यहाँ से बदल सकता है, और तीन बॉल के बाद एक बॉल डॉट गया फिर बिलीव आने लगा था, और मेरा क्लियर था माइंड कि मेरे को छः के छः जाके यॉर्कर डालना है। जो मैं अपने बारे में जानता हूँ, जो अभी तक मैं खेलता आया हूँ, कि मैं जानता हूँ कि मैं बॉल को स्विंग भी कर सकता हूँ दोनों तरफ और मैं तेज भी डाल सकता हूँ, तो मेरा दिमाग में ही रहता है कि जैसे मेरा ड्रीम भी है कि मेरे को बेस्ट बनना है, तो बेस्ट के हिसाब से मैं यही सोचता हूँ कि मैं टीम को हर जगह हर सिचुएशन में हेल्प कर सकूँ और आगे आगे जाके मैं अच्छा भी कर सकूँ। मैं अगर मेरे को नया बॉल से बॉल डालने को दिया जाए तो मैं अच्छा स्विंग करा सकूँ, बीच में डालने को दिया मैं तेज डाल सकूँ, क्योंकि दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ। और यहाँ से जैसे मेरा ग्रो होगा, एज ग्रो होगा, तो ये चीज़ें बढ़ेंगी भी और एक्सपीरियंस भी आएगा, तो मैं सोचता हूँ मैं हर जगह आरआर की हेल्प कर सकूँ। और ऑफकोर्स जैसे यंगस्टर की टीम है, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैं सीख के आया कि आप कहीं से भी बैक कर सकते हैं, टीम के बहुत लोग इंजर्ड थे, तो हम शायद यहाँ से भी यंगस्टर भी जीत सकते हैं टूर्नामेंट को, तो हमें बिलीव है और हम चाहते भी कि हम आरआर के लिए टूर्नामेंट जीतें। सबसे स्पेशल मेरे लिए वही ट्वीट था, क्योंकि जैसे मैंने सबके सामने बोला कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोमेंट था, कि मैं जसप्रीत भैया के पास नहीं गया था क्योंकि मैं घबरा रहा था बात करने से, लेकिन वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को पसंद किया और मेरे को चीज़ें बताना स्टार्ट की और काफ़ी अच्छा बताया। और जब पर्सनली मैंने उनका ट्वीट देखा, मेरे को किसी और ने बताया कि जसप्रीत भैया ने आपके लिए ट्वीट किया, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं पर्सनली रिट्वीट करूँगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी मजा आया कि वर्ल्ड का बेस्ट जिसको मैं देख रहा हूँ, जो मेरे हीरो हैं इस टाइम वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर है, वो मेरे लिए ट्वीट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स नहीं, सारी टीमें काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं सोच रहा कि मेरे को किसी इसी टीम को, पर्टिकुलर टीम को लेके प्लानिंग कर रहा हूँ। दिमाग में बस ये कि जो हमको बोला जा रहा है, जो हम वीडियोस देखते हैं, उनकी वीकनेस देखते हैं, अपना प्रोसेस फॉलो करें, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बस अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे लास्ट ओवर में भी हुआ कि मेरे हाथ में सिर्फ छः बॉल डालना था, रन सेफ होंगे नहीं होंगे किसी भी तो मेरा आगे के मैच में भी और उससे आगे वाले मैचों में भी यही काम है कि मैं अपना प्रोसेस फॉलो करूँ। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.